गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग गाइस, दिस इज उत्सव फिजिक्स और मैं आप लोगों को यहाँ पे वार्म वेलकम करता हूँ। जो भी लोग हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं अभी तक, ये है हमारा उत्सव फिजिक्स जो कि प्रोवाइड करता है आपको बीएससी के लेक्चर्स, और बहुत जल्दी हम लोग 9th और 10th के भी लेक्चर्स को हम लोग बहुत जल्दी डालने वाले हैं मैथमेटिक्स वगैरह के। तो आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे, और जो भी आपके आसपास आस पड़ोस में जो भी हैं इंटरेस्टेड हैं बीएससी फिजिक्स का लेक्चर वगैरह देखने के लिए, तो उनको आप जरूर से ज़रूर इल्तिजा करेंगे कि हाँ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। और प्लीज़ आप जाके इन चैनल को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी है कम ही बच्चे हैं, कोई भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो बिना कोई देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, और वो काफ़ी अच्छा लेक्चर रहा, आप जाके उसको देखेंगे। और आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमें जैसे कि पता है मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर कोई भी बॉडी पर कुछ फोर्स लग रहा है उससे जो वेलोसिटी जनरेट हो रहा है, और उस मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमें क्या देता है, मोमेंटम देता है। दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमें दो ही तरह से पढ़ना है। पहला तो हमें फर्स्ट लॉ से पढ़ना है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कैसे कंजर्व रहता है मोमेंटम। और दूसरा पढ़ना है हमें सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ से हमारा लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पढ़ना है प्रूफ बाय द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ से कैसे प्रूफ होगा, आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एज यू नो हमें जैसे कि पता है फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है। कैमरा में दिखाई दे रहा है, जी हाँ, फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है कि कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट में है, और या तो वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कर रहा है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है, इफ़ अ बॉडी रिमेंस एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इन अ यूनिफॉर्म कंटिन्यू इट्स मोशन इन यूनिफॉर्म सो लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ से कैसे क्या होगा, आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है। आपको जब दिया होगा तो आप क्या करेंगे, आप अपना पहले फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट सुनेंगे। क्या सुनेंगे, स्टेटमेंट की, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हमें क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जानते हैं एज वी नो ए बॉडी इज इन रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या होता है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कह रहा है कि एज वी नो बॉडी इज इन रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम क्या बोलते हैं उसे, अंटिल नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब उस बॉडी पे हमें ना बोलता हूँ। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं हम लोग प्रूफ। क्या करते हैं, प्रूफ। चलिए कह रहा है, लेट अस हमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम किसी बॉडी का मास सपोज करेंगे। क्या बॉडी का मास क्या सपोज करते हैं, एम इज मूविंग विद वेलोसिटी। उसका वेलोसिटी क्या सपोज करेंगे हम, वी। क्या सपोज करेंगे, वी। देन मोमेंटम क्या होता है हमारा, तब क्या कहते हैं हम, देन मोमेंटम इज इक्वल टू पी। तो मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा बॉडी का, एम इंटू वी होगा या नहीं होगा। अगर कोई बॉडी जिसका मास एम है वो किसी वेलोसिटी वी से वो क्या कह रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा हमारे पास, पी, जिसको हम क्या लिखेंगे, एम इंटू वी। अच्छा देखिए यहाँ पे, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, जब हम इस पर कोई फोर्स लगाएंगे, किस पे, उस बॉडी पे जब हम उस बॉडी का, जब ये देखिए यहाँ पे, जब ये कोई एम मास का बॉडी है, जब इस पर हम कोई फोर्स लगाएंगे, तो इसके पास पहले से इनिशियल मोमेंटम क्या था, एम भी था। जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंजेज। क्या करेगा, वेलोसिटी विल चेंज। क्या करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, करेगा या नहीं करेगा। जब वेलोसिटी इसका चेंज करेगा तो इसका मतलब मोमेंटम चेंज होगा, उसका चेंज होगा या नहीं होगा। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी चेंज करता है तो हमारा मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, दैट इज मोमेंटम चेंजेज। मोमेंटम क्या करेगा हमारा, चेंजेज। तो हम लिखेंगे इसको, फोर्स इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल्स टू, हम लोगों को पता है, तो इंस्टेंटेनियस यहाँ पर डी पी लिख सकते हैं, डेल्टा पी। जब हम उस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसका मोमेंटम चेंज करेगा, करेगा या नहीं करेगा, डेल्टा पी। डेल्टा किसको शो करता है, चेंज को, किसको, चेंज को। डेल्टा किसको शो करता है, चेंज। और चेंज क्या होता है आपको पता है, फाइनल माइनस इनिशियल। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हियर आप लोग देखेंगे यहाँ पर,
इंस्टेंटेनियस रेट पे जब हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी पी बाई डी टी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जब हम इंस्टेंटेनियस लेवल पे बात करते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? अनदर पेज में यहाँ पे देखेंगे कैमरा, हाँ ठीक है चलो, अनदर पेज में लिखेंगे उस फोर्स को हम फिर से क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू क्या हम पी के जगह पर क्या लिख रहे हैं, पी के जगह पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, पी के जगह पर एम इन टू भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पी इज इक्वल टू एम इन टू भी लिख सकते हैं, तो लिखिए यहाँ पर एम इन टू वी बाई डी टी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? मतलब एम इन टू वी भी क्या शो करता है, हमारा मोमेंटम शो करता है, करता है या नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म आने वाली है, क्लियरली वेन फोर्स इज इक्वल टू जीरो, जब हमारा फोर्स वहाँ पे अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी इज ऑल्सो जीरो, ये भी क्या हो जाएगा हमारा जीरो, एंड हमारा डी एम इंटू वी बाई डी टी ये भी क्या हो जाएगा हमारा जीरो होगा या नहीं होगा? अगर फोर्स हमारा जीरो होता है तो हम डी पी बाई डी टी भी क्या लिख सकते हैं, जीरो, और हम क्या लिख सकते हैं एम इंटू वी भी जीरो। और आपको पता है एनी क्वांटिटी हुज डिफरेंशिएशन इज जीरो वी कंक्लूड दैट क्वांटिटी एज कॉन्स्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट कहते हैं। समझ में आया ये? जब किसी भी क्वांटिटी का हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं और उसका डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, हमारा जीरो आता है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या सपोज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? जैसे आप लोग देखते हो ये एग्जाम्पल में डी फाइव बाई आप लोग डी एक्स करते होंगे तो इसका क्या आता होगा, जीरो, ऐसे आता है या नहीं आता है? ये सब आता है, तो ये सब क्या होता है, ये फाइव क्या होता है, कॉन्स्टेंट। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे हेयर एम इंटू वी इज कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? एम इंटू वी हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब मोमेंटम हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, होगा या नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दैट इज इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, इफ द फोर्स इज जीरो द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल या फिर बॉडी क्या है, इज कंजर्व्ड है या नहीं है? समझ में आया क्या है कि अगर जो फोर्स है वो अगर जीरो लग रहा है, अगर वो फोर्स जीरो है वहाँ पे, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो ये वाला जो आप केस देखें यहाँ पे, ये वाला केस ये हो सकता है, देयरफॉर न्यूटन्स कैमरा में हाँ दिख रहा है फर्स्ट लॉ इज सिंपली द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया क्या है ये, ये सिंपली क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है या नहीं है? यही बात है ना कि जब कोई फोर्स यहाँ पे जब हम जीरो कर देंगे तो ये पूरा क्वांटिटी भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो डी पी बाई डी टी भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, और ये डी एम एम इंटू वी जो है ये भी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। जिससे हम समझते हैं कि कोई भी क्वांटिटी जिसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग क्या करते हैं, जीरो हो जाता है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो यहाँ एम इंटू वी भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाएगा। समझ में आया? चलिए तो सेकेंड लॉ से प्रूफ करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सेकेंड लॉ से by the Newton's second law। समझ में आया, न्यूटन सेकेंड लॉ से प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज directly proportional to the applied force। क्या होता है applied force, जो rate of change of momentum होता है वो किसके equal होता है, applied force के equal होता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, मैं यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, if is equals to रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाई टाइम। समझ में आया? चलिए इसको थोड़ा
क्लैरिफाई करते हैं। देखिए प्रूफ लिखेंगे हम लोग, हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ करना है, इसका हमने बता दिया था पहले ही आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे पिछले लेक्चर में जाके समझ सकते हैं। समझ में आया? तो न्यूटन सेकेंड लॉ के बाई सेकेंड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम कोई एक्सटर्नल फोर्सेस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसके आप मतलब उस सिस्टम में हम क्या करेंगे, बाई न्यूटन सेकेंड लॉ लेट द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, क्या करेंगे हम पहले दो पार्टिकल का सिस्टम, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल के सिस्टम को हम क्या करेंगे सपोज करेंगे, क्या करेंगे दो पार्टिकल के सिस्टम को सपोज करेंगे। जैसे अच्छा एक बात बताइए आप लोग, कोई अगर सिस्टम को हम इनर्शियल फ्रेम में सपोज कर लें जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उस सिस्टम पे, तो हम क्या समझेंगे कि वो सिस्टम क्या है, मतलब उनके बीच कहीं जो उन दोनों सिस्टम में जो रखे हुए पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच का जो फोर्सेस होता है उन्हीं फोर्स को हम लोग कंसिडर करके आगे प्रोसीड करते हैं। मतलब अगर दो पार्टिकल है तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन के बीच का मतलब, इंटरैक्शन का मतलब वैसे फोर्स जो दोनों के बीच में लगे, समझ में आया, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्या होगा फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। जैसे पार्टिकल ए है और बी है तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं इंटरैक्शन, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, मेन फोर्स क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर क्या लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझ में आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कूलम फोर्स भी बोलते हैं, लगेगा है नहीं लगेगा, लगता है नहीं, या तो कूलम फोर्स लग सकता है या फिर क्या लग सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ में आया। चलिए देखते हैं क्या कैसा होगा। चलिए तो आपको पता है कोई दो पार्टिकल होंगे, दोनों आपस में अगर कोई कूलम्स फोर्स लग रहा है या फिर कोई फोर्स लग रहा है, दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेट, दूसरे पेन से लिखते हैं, फोर्स एग्जर्टेड बाय फर्स्ट पार्टिकल ऑन द सेकेंड, क्या लिखते हैं इसको, फोर्स एग्जर्टेड बाय द फर्स्ट पार्टिकल ऑन सेकेंड, क्या हो कहते हैं इसको, मतलब फोर्स एग्जर्टेड बाय द फर्स्ट पार्टिकल ऑन द सेकेंड, इफ वन इज टू टू को हम क्या बोलते हैं फोर्स एग्जर्टेड बाय फर्स्ट पार्टिकल ऑन द सेकेंड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे आप किसी एक बॉडी पे, जैसे आप ये दीवार हो गया, तो जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे, जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, आप कुछ एक्शन करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं एक्शन, थर्ड लॉ याद आ रहा है, थर्ड लॉ तो क्या बोलते हैं इसको एक्शन बोलते हैं, समझ में आया। चलिए एंड फोर्स एग्जर्टेड बाय सेकेंड, इसको क्या लिखेंगे फोर्स एग्जर्टेड बाय सेकेंड पार्टिकल ऑन फर्स्ट, क्या होगा फर्स्ट, तो इसको क्या बोलते हैं रिएक्शन, क्या बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, तो आप ऐसे लिख सकते हैं दस एफ ऑफ वन इज टू माइनस ऑफ एफ ऑफ टू वन, ये होता है या नहीं होता है थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कैमरा में दिख रहा है, हाँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या होगा थर्ड लॉ, समझ में आया। चलिए इतना समझ गए आप लोग, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, देखिए आगे क्या होगा। अच्छा तो हम जानते हैं, We know that f of 1 is to 2, इसको क्या लिख सकते हैं m2 v2 लिख सकते हैं, जैसे फोर्स एग्जर्टेड बाई फर्स्ट पार्टिकल ऑन सेकेंड, तो इसको क्या लिख सकते हैं m2 v2 लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे जैसे कि फोर्स ऑन वन पार्टिकल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही होगा ना,
तो डी एम टू वी टू बाई डी टी क्या होगा? डी टी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ये वाला वही हो गया ना कि द फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, समझ में आया? चलिए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एम टू हमारा बाहर आ जाएगा, डी वी टू बाई डी टी हो गया। इसको रहने देते हैं, फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। चलिए आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर एम टू इक्वल्स टू मास ऑफ सेकेंड बॉडी, वी टू क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, होता है या नहीं होता है? चलिए आगे लिखते हैं क्या, और पी टू तो आपको पता ही है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। चलिए पी टू इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, समझ में आया? चलिए ऑल्सो ये भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख कर लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डी एम वन वी वन बाई डी टी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ये वाला हाँ, डी वी वन बाई डी टी होगा या नहीं होगा? चलिए तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं इसको यहीं रहने देते हैं, इसको सेकंड, जहाँ पे एम वन क्या होगा, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, और वी वन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, पी वन क्या होगा, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी होगा या नहीं होगा? चलिए इतना समझ गया आप लोग, समझ गया या नहीं समझ गया? तो यहाँ पे देखिए, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मतलब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एफ ऑफ वन इज टू टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ वन इज टू टू लिखा हुआ है, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ वन टू प्लस एफ ऑफ टू इज टू वन, सॉरी यहाँ पे टू इज टू वन इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अगर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दें वन इज टू टू टाइम के रेस्पेक्ट में प्लस इज टू जीरो होगा या नहीं होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, मतलब अगर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दे, देखिए इधर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड, चलिए ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं वैसे, तो देखिए तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, एम टू वी टू था या नहीं था, प्लस क्या होगा, एम वन वी वन बाई डी टी होगा या नहीं होगा, बाई जीरो होगा। चलिए जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों को तो क्या आएगा हमारा, एम टू वी टू प्लस एम वन वी वन इज इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड होगा या नहीं होगा? चलिए तो हेयर पी टू प्लस पी वन इज इक्वल टू जीरो, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, द सम ऑफ लीनियर मोमेंटम
ऑफ टोटल सिस्टम, टोटल सिस्टम इज कांस्टेंट, मतलब क्या है जो सम है हमारा पूरे लीनियर मोमेंटम को वो क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा ये टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, हेंस सिस्टम इज कंजर्व्ड, क्या होगा कंजर्व्ड होगा, होगा या नहीं होगा। आप ये भी लिख सकते हैं दिस इज फॉर टू पार्टिकल, ये कितने के लिए था, दो पार्टिकल्स के लिए था, था या नहीं था, हेंस वी डू दिस फॉर मोर देन टू पार्टिकल, इसको हम दो पार्टिकल्स के आगे भी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व आते जाएगा। तो आज के लिए, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का लेक्चर कल देखते हैं, कल आपको पढ़ाया जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो वो लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आज के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होंगे आपके चैनल के लिए या फिर आपके अपकमिंग लेक्चर्स के लिए, तो आपको बहुत वेरी फर्स्ट आपके पास ही पहुँचेंगे। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और काफ़ी दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, और कल का लेक्चर आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करेंगे, क्योंकि कल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय।